इसका नॉलेज जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे ठीक तो है? है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है क्वेश्चन फाइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इजल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए ये हमको प्रूफ करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इजल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमको इसको प्रूफ करना है ठीक है तो हम लोगों ने एल एच एस ले लिया पहले एल एच एस में क्या है देखिए एल एच एस में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन ठीक है एंड ये प्रूफ करते हुए कैसे कॉशेक ए प्लस कॉटे आता है और ध्यान रखना हमको ये वाला आइडेंटिटी भी इसमें यूज करना है ठीक है ना तो so नाउ क्योंकि देखिए इसको कॉशक ए और कॉर्ट ए में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं ये इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ए में हम लोग मतलब तो साइन ए से डिवाइड कर सकते हैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जांपल में भी किया हुआ है एक बार चेक कर लेना ठीक है ना तो, तो ए पूरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई साइन ए करेंगे यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हमने वही किया है ध्यान से देखना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन डिसाइड किया कि से डिवाइड करना है क्योंकि देखो कॉशेक ए लाना है और कॉट ए लाना है तो कॉट ए यहाँ पर से किसी तरीके से अगर को साइन से करते तो कॉट ए आ ही जा रहा है ना? अगर करते हैं तो कॉशेक ए आ जाता है तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया नाउ एवरी न्यूमेटर एंड डिनोमेटर सभी को साइन ए से डिवाइड कर रहे साइन ए वन बाय साइन है sin A, sin A A, और ये जो बीच बीच में साइन दिख रहा है आपको इसको ठीक से जैसा है वैसे बैठाना है तो कॉस ए डिड बाई साइन ए प्लस ए डिड बाई साइन ए क्या हो गया कॉट ए यहाँ पे साइन ए इज इग्वल टू कॉट ए एंड वन बाई साइन ए क्या होता है वन बाई साइन ए इज इक्वल टू होता है ठीक है रीजनिंग प्रॉपर था देखो तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए साइन ए बाइन हो जाएगा माइनस है अब हम लोग क्या करेंगे कॉट ए इसको ग्रुप कर लेंगे एंड वन uh, प्लस कॉशेक ए इस वाले को हमने ऐसे किया है देखो मैंने यहाँ पर जो चीज किया है वो क्या किया है कॉट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए ये है ना तो इसमें से मैंने क्या कर लिया कॉट ए को एक टर्म ले लिया है एंड माइनस वन माइनस क्योंकि माइनस कॉमन जा रहा है A, इसको एक टर्म ले लिया ठीक है ये दोनों को अलग अलग टर्म कर लिया इस तरीके से ठीक है एंड डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए अब क्या करूंगा मैं ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका जस्ट ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है तो यहाँ पर प्लस है इस वाले का ऑपोजिट साइन ठीक है ना ये ये एक टर्म है ये एक टर्म है तो इसके इनके बीच में जो साइन है वो क्या है प्लस है तो हम मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे दोनों सेम चीज को बट यहाँ पे माइनस साइन देके मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है अब ध्यान से देखिए न्यूमिटर में अगर इसको एक टर्म इसको ये पूरा को ए मान लेते हैं और ये पूरा को बी मान लेते हैं तो ये क्या हो गया ए माइनस बी उस तरह से कॉट ए को ए लिया हुआ है तो ए माइनस ये क्या है वन माइनस बी तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ये चीज बन रहा था ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए माइनस बी होली स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर वही चीज किया देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर अब यहाँ पर प्लस साइन कैसे आ गया जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कॉट ए मतलब ये ए माइनस बी मतलब ये वन माइनस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस इंटू प्लस माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर समझ में आया कैसे हुआ कॉट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर अब नीचे भी ध्यान से देखिएगा इसको अगर ए ले, ले लेते हैं प्लस बी इसको ए ले, ले लेते हैं माइनस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसलिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर माइनस माइनस कौशेक स्क्वायर ए ठीक है तो यहां तक नोट कर लीजिए फिर आगे का बताता हूं अभी तक खत्म नहीं हुआ यह no. आगे का स्टेप देखिए इसके बाद ये क्या है कॉट ए माइनस वन प्लस ए का होल स्क्वायर इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूला से एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर्मूला बता दूं मैं आपको ए प्लस बी प्लस सी होल ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए ठीक है अगर आप कोई ये फॉर्मूला याद हो तो इस तरीके से होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो चलो बी में माइनस कर देते हैं तो बी जहां जहां पर है वहां वहां पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे है ना चलो ये फिर से मैं लिखता हूं इसको फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्र तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी में माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस टू बी सी मतलब टू इंटू माइनस बी इंटू सी प्लस टू सी ए ना तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब ये प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस टू ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए तो यानी कि ये या आ रहा है हमारा अगर यहाँ पे माइनस आता है तो तो यही चीज है ना यहाँ पे कॉट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर हम तो लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है प्लस कोशेक स्क्वायर ए ये लिखा है एंड देन क्या है यहाँ पे माइनस टू ए बी तो ए यहाँ पर कॉट ए और बी है तो फिर क्या है माइनस टू बी सी तो क्या होगा टू इंटू माइनस वन इंटू कौ मतलब माइनस टू तो माइनस टू कौके फिर क्या है प्लस टू सी ए मतलब टू इंटू कॉट ए इंटू तो टू इंटू कॉट ए इंटू ये हो गया अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ये वाले टर्म में आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है वन माइनस को से होल स्क् ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मुला लगा सकते हैं ए माइनस भी होली स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है तो देखिए यहाँ पर वही चीज हमने किया हुआ है ठीक है इसका भी मैं अलग से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको इसका हर एक चीज मैं इसलिए तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूं ना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है कई बार जो है स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं समझने में इसलिए सब चीज को तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूं देखिए वन माइनस कोसेक ए का स्क्वायर ये ना और बीच में इसका माइनस है बा, सॉरी बाहर में इसका माइनस बाद में बताता हूँ तो ए माइनस भी होली क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब टू इंटू वन इंटू कोसेक ए तो टू कोशेक ए हो जाएगा ये ठीक है अब इसके बाहर पे क्या है माइनस है कहा वाला माइनस तो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस कोशेक स्क्वायर ए एंड माइनस इंटू माइनस प्लस टू कोशेक है कि नहीं तो यही चीज हमने यहाँ लिखा हुआ है देखो कॉट स्क्वायर ए ये कॉट स्क्वायर ए फिर माइनस वन माइनस कोशेक स्क्वायर ए प्लस टू कोशेक ए ठीक है ये स्टेप बहुत ही ध्यान से देखना कि यहाँ से सॉरी ये वाला स्टेप इसका ए माइनस भी होल ब्रेकअप दिखा दिया यहाँ पे calculation. Then इसके बाद के बाद के ये वाला step देखो यहाँ पर मैंने two cosec square A लिख रखा है कैसे two cosec A square, uh, cosec square A होगा ध्यान से देखो यहाँ पर कोशेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी में क्या दिया हुआ है कोशेक स्क्वायर ए इक्वल टू दिया हुआ वन प्लस कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको मिल रहा है वन प्लस कॉट स्क्वायर है ये देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर है तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैंने क्या कर लिया वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैंने कर लिया कौशे स्क्वायर ए तो कौशे स्क्वायर ए प्लस कौशे स्क्वायर ए कितना हो जाएगा टू कौक स्क्वायर ए समझ में आया ये चीज नाव उसके बाद थोड़ा सा अरेंजिंग करके लिखा हुआ है देखो टू कॉट ए कौशेक ए इसको पहले लिख दिया फिर माइनस टू कॉट ए माइनस टू कौक है और ये वाला चीज जो मैंने अभी कैलकुलेशन दिखाया है कॉट स्क्वायर ए ये माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकाल दो ये चीज आ गया ठीक है अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा देखो टू कौशक स्क्वायर ए है यहाँ पे टू कॉट ए तो यानी कि टू कौशेक ए कॉमन आ जाएगा टू कौशेक ए कॉमन आने से यहाँ पे रह जाएगा कौशेक ए जैसे कि टू एक्स स्क्वायर है इसमें से अगर आप टू एक्स कॉमन ले लेते हैं इस वाली चीज में तो क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा ना उसी तरह से टू कौशेक स्क्वायर ए चला गया तो कौशेक ए यहाँ पे रह गया और यहाँ पे टू कॉट ए कौशक ए था तो टू कौशक ए तो चला गया तो रह गया क्या कॉट ए अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं ये दोनों में से माइनस टू कॉमन ले सकते हैं तो मैंने माइनस टू कॉमन लिया है और यहाँ पे कॉर्ट ए प्लस कौशक ए रह गया ठीक है और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अरेंज कर लो कॉर्ट स्क्वायर ए माइनस कोशक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू कौशक ए ठीक है जस्ट इसको अरेंज कर लिया अब ये दोनों में ध्यान से देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको कौशेक ए प्लस कॉट ए कॉमन मिल रहा है ना कौशे ए प्लस कॉट ए तो कौशे ए प्लस कॉट ए को ले लिया सामने इधर क्या रहेगा टू कोशेक ए माइनस टू ये टू कोशेक ए माइनस टू और नीचे देखो यहाँ पे माइनस वन है कॉट स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए इसका वैल्यू माइनस वन कैसे क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर में आइडेंटिटी दिया हुआ है वो आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉशेक स्क्वायर ए टू वन प्लस Square A, है ना और यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस कोशेक स्क्वायर ए है तो कोशेक स्क्वायर ए को इधर लेके तो कर दिया तो ये जाएगा माइनस कोशक स्क्वायर ए तो देखो कॉट स्क्र ए माइनस कोशेक स्क्वायर टू क्या माइनस वन आ गया इसीलिए इसका वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया माइनस वन इसका साइड में जो रीजन दूंगा ये वाला आइडेंटिटी को यहाँ पे डाल दूंगा ठीक है तो माइनस वन माइनस वन प्लस टू कोशेक ए अब ये माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू है ना ये न्यूमरेटर तो अभी ऐसे ही रख रहे हैं अगले स्टेप में इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा इसका क्या हो गया माइनस वन माइनस वन हो जाएगा माइनस टू यानी कि ये बन जा रहा है टू कोसेक ए माइनस टू टू कोशेक ए माइनस टू जिसमें ये कैंसिल हो जाएगा टू कोसेक ए माइनस टू तो क्या रह गया हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए जिस जो कि हमको प्रूफ करना था ठीक है तो एल एच एस इजल टू आर एच एस हेंस प्रूफ तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने के बाद एक बार खुद से ट्राई करना और हर एक स्टेप में जैसे मैंने कहा जहां जहां भी हम लोग चेंज कर रहे हैं रीजन देना ये क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है आप दोनों साथ में प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छा है ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है जिसमें बोला रूट ओवर वन प्लस साइन ए बाई रूट ओवर बाय वन माइनस साइन एजल टू से प्रूव करना है.